झांसी के मऊरानीपुर नगर के रहने वाले कटिल परिवार ने शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए मेहमानों को तुलसी का पौधा देकर एक नई पहल की शुरुआत की है। मऊरानीपुर के प्रतिष्ठित कटिल परिवार के श्री राधारमन, श्री दीपक, श्री राहुल कटिल के परिवार ने अपने बेटे और छोटे भाई वरिष्ठ पत्रकार रचित कटिल की शादी में हर व्यक्ति को एक एक तुलसी का पौधा देकर फालतू के खर्चों पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और कोरोना वायरस संकट की घड़ी में तुलसी हमारे शरीर को ताकत देती है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनाती है। कटिल परिवार द्वारा की गई इस पहल का हर कोई शुक्रगुजार है और मऊरानीपुर नगर के लिए एक नई पहल की शुरुआत को सराहा जा रहा है। वह मेरे परिवार कटिल परिवार मऊरानीपुर के द्वारा मेरे छोटे भाई की शादी के उत्सव पर जो तुलसी का वृक्ष दान किया गया है उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण एक तो फिजूल खर्ची पर रोक, दूसरा इस कोरोना के संकट काल में आज हर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए तुलसी अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी को एक एंटीबायोटिक का दर्जा दिया गया है और तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के अनुसार, एक सनातन धर्म के अनुसार सनातन तौर पर तुलसी को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। मऊरानीपुर नगर में आज एक शादी में नई पहल की शुरुआत इको फ्रेंडली बनाने के लिए की गई है, जिसमें मऊरानीपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री राधारमन जी कटिल, दीपक जी कटिल एवं श्री राहुल कटिल के परिवार के बेटे श्री पत्रकार रचित कटिल की शादी समारोह में देखने को मिला है। शादी समारोह में आए हुए अतिथियों को सभी को एक एक तुलसी का पौधा देके फालतू के खर्चों पर लगाम लगाई गई है, जो कि एक वास्तव में एक नई शुरुआत है और सभी लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए ताकि फालतू के खर्चों में लगाम लग सके एवं स्वच्छ मऊरानीपुर, हरित मऊरानीपुर की एक नई शुरुआत हो सके। इसके लिए वास्तव में पूरा कटिल परिवार आज धन्यवाद का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद कटिल परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, झांसी।